Hello friends, right now we will discuss about the inference. Normally in reading comprehension, various kinds of questions usually asked, which is related to main idea, summary, primary purpose, primarily concerned like that. But at the same time, some questions are asked on the data of that paragraph, which is known as inference. Which is normally known as inference, or we can say that inferred type of question. It can be asked like likely to or not likely to. तो ये जो likely to, not likely to, inferred based जो questions आपसे पूछे जाते हैं, conclusion based जो question पूछे जाते हैं, actually जब भी ये question बनाने के चलें, तो आप paragraph के scope का ध्यान रखें, आप जो paragraph की बात कर रहे हैं, जिस reading comprehension में, उसके scope का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, आपको scope का ध्यान रखना यहाँ पे काफी important हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमने एक पैराग्राफ उठाया है जिसको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। वैसे अ न्यू प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव लर्निंग एंड टीचिंग मे हैव सक्सेसफुली ब्रिज द जेंडर गैप इन राजस्थान। दिस प्रोजेक्ट हैज नॉट ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंश्योर हायर अटेंडेंस, लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल द गर्ल्स, बट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ स्कूल। वर्किंग इन 2342 गवर्नमेंट schools across this district, Mumbai-based non-government organization Educate Girl has leveraged the existing government and community resource to improve the school infrastructure. It has developed a comprehensive model that reformed the school and ensure 100% enrollment, higher attendance and lower number of school dropouts. एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसका नाम यहाँ पे क्रिएटिव लर्निंग एंड टीचिंग रखा गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में जो जेंडर गैप है, जेंडर गैप कहने का अर्थ यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, लड़कियों लड़कियों के बीच में जो एक स्कूल जाने के बीच में जो गैप आ रहा है कि लड़के ज्यादा जा रहे हैं और लड़कियां कम जा रही हैं, इस चीज को दूर करने का यह काम करेगा। और न सिर्फ ये क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा, पर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करेगा, लड़कियों की संख्या को स्कूल में बढ़ाएगा, और ये वहाँ के 2342 गवर्नमेंट स्कूल में इवन चल भी रहा है। और ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एजुकेट गर्ल से है, और यह जो है एग्जैक्टली ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने के साथ वहाँ के अटेंडेंस को हायर परसेंट 100% एनरोलमेंट को बढ़ाएगा, अटेंडेंस को बढ़ाएगा, और स्कूल ड्रॉप आउट्स जो वहाँ के बच्चे करते हैं, खास करके लड़कियाँ, उनको ये कम करने का काम करेगा। तो ये पूरे पैराग्राफ में हमें डिटेल दिया गया है। इन्फ्रेंस जो होता है, इसका मतलब होता है पूरे पैराग्राफ जो हमने दिया है, उस पैराग्राफ के बिटवीन कोई भी लाइन से आपको इन्फो पूछा जा सकता है, आपसे जानकारी लिया जा सकता है, ये इन्फ्रेंस कहलाता है। वही हम कंक्लूजन की जब बात करते हैं, तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो एक फाइनल डिसीजन पे जब आते हैं, तो उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो कंक्लूजन इन्फ्रेंस में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है, डिफरेंस आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्रेंस जो होता है वो कंक्लूजन का पार्ट हो सकता है, पर इन्फ्रेंस का जो वेट होता है, जो एक जो साइज होता है वो छोटा होता है, वही कंक्लूजन जो होता है वो पूरा पढ़ करके जब एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं वो होता है। खैर, यहाँ पे इस पैराग्राफ को समझ करके हमसे पूछ आंसर करने की कोशिश करें कि इन्फर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ क्या है, इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज क्या है। तो जो जेंडर गैप इन सम गवर्नमेंट स्कूल्स इन राजस्थान, पहला ऑप्शन, देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे सम, ऑल, ऑफन, एब्सोल्युटली, ओनली, इस तरह के वर्ड्स जहां पे यूज हो जाएं, और अगर इस तरह की चर्चा अगर पैराग्राफ में नहीं हुई है, तो इस तरह के वर्ड्स को देखते ही हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि ये एक ऐसा भाषा होता है जो कि पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा रिजिड या ऑप्शन को बहुत ज़्यादा रिजिड बनाता है। हमने कोई ऐसा डेटा नहीं है हमारे पास कि जिससे हम ये डिसाइड कर पाएं कि सम है या ऑल है, तो इस सिचुएशन में ये सम वर्ड अकेला काफी है इस ऑप्शन को रिजेक्ट करने का, एलिमिनेट करने का। वही दूसरे ऑप्शन की बात करें, पॉल डिस्ट्रिक्ट, वी डोंट हैव डिस्कस्ड एनी डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू पॉल, क्योंकि एक नाम जो है पूरे पैराग्राफ में कहीं भी पॉल डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हुई, तो पॉल डिस्ट्रिक्ट एक नाम आ जाना हमारे लिए एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट की बात है, ऐसी बात तो हमने कहीं पूरे पैराग्राफ में पढ़ी ही नहीं है, ये पॉल डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हुई ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कटेगा। दूसरा एक और बात कि अगर पॉल डिस्ट्रिक्ट नहीं भी होता, डिस्ट्रिक्ट हैज, द डिस्ट्रिक्ट हैज, अगर कुछ क्वेश्चन में इस तरह से सेंटेंस रहता, 2342 गवर्नमेंट स्कूल,
232 फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो सोचने वाली बात है कि इतने स्कूल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, पर इतने ही स्कूल हैं ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। मतलब आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि 2342 गवर्नमेंट स्कूल ही इतने ही स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट में है, ये कहना गलत होगा, एक तरीके से एक अधूरी जानकारी होगी। तो इस वजह से भी ये ऑप्शन जो है ये हमारा कटेगा। इम्प्रूव द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग 100% इनरोलमेंट हायर अटेंडेंस रिटेन द गवर्नमेंट रिटेनिंग द गर्ल्स विदाउट ड्रॉप आउट। ये पैराग्राफ का ऑप्शन अगर हम सी की बात करें तो ये पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, पर द न्यू प्रोजेक्ट मेंशन अबव वाज पायलटेड इन पाल डिस्ट्रिक्ट। अगेन ये पाल डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई जिसकी चर्चा पूरे स्कोप में नहीं है, पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो इस वजह से हमारा डी भी ऑप्शन कट जाएगा, ए भी ऑप्शन सम की वजह से कट जाएगा, बी भी ऑप्शन हमारा पॉल डिस्ट्रिक्ट की वजह से कट जाएगा। इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन निकल के आ रहा है, वो है आंसर सी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा दोस्तों ये हमारा सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पूरे पैराग्राफ को पढ़ा और फिर हमने फाइनल डिसीजन निकालने की कोशिश किया। पूरे फाइनल डिसीजन को जब निकाले तो हमने पाया कि सम की वजह से पहला ऑप्शन कट चुका है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होने की वजह से पाल डिस्ट्रिक्ट हम बी को ऑप्शन को काट चुके हैं, फिर पाल डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हुई है डी में तो इसको भी हम काट चुके हैं। तो इस वजह से हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सी की अपेक्षा, जो सी जो है ये पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि पैराग्राफ के डेटा को ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो आंसर जो हमारा होना चाहिए वो सी होना चाहिए। अगले एक पैसेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया we live by the mantra of instant gratification, as a result when something is not happening rather than leaving it alone for a while we are liable to go at and hammer the tongues in a bid to make it। मतलब जब भी कुछ चीजें तो हम तुरंत instant gratification के शिकार होते हैं, हमको तुरंत कुछ भी चाहिए होता है और हमसे जो चीजें तुरंत नहीं मिल पा रही थी उन्हें चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। हैमर ऑफ टंग का एसेंस यही पे ही है कि ये चीखने चिल्लाने की बात कर रहा है, चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं जब हमारी चीजें नहीं हो रही होती हैं। और we end up setting up an end product that vastly inferior and how we first envisioned it's as mentioned before sometime contractually commercial obligation and responsible for the such a turn of event। और हम जल्दी उन चीजों को छोड़ भी देते हैं बिना बार बार कोशिश किए और उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे बहुत सिंपल सा था कि हम लोग ना कुछ भी तुरंत चाहिए इस शिकार में होते हैं, हमें तुरंत कुछ भी चाहिए, हम इंतजार करना नहीं जानते, हम वेट करना नहीं जानते। और इस सिचुएशन में हमारे सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो ये होता है कि जब भी हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सामने में देखते हैं, सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने ये हो जाता है कि जब भी आप कोई भी चीज को चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज पे काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि तुरंत उसका रिजल्ट आपके सामने में हो, आप वेट नहीं करना चाहते, वेट करना नहीं जानते। जिसका एक समस्या आपके सामने में होता है कि कई बार आपकी चीजें आपके साथ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो उस चीज को उतना ही जल्दी आप छोड़ भी देते हैं बुराई करते हुए, ये बताने की कोशिश की गई है। खैर आगे बताया गया कि फर्स्ट टाइम नॉवलिस्ट हैव रेयरली एवर द राइट द बुक कॉन्ट्रैक्ट विद द हैंड, मेनी ऑफ लाइफ फेलियर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर सक्सेस टू। मतलब ये भी कहने की कोशिश किया कि और कई बार चीजें लोग वहां पर ला करके छोड़ देते हैं जहां से वो सक्सेस के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, ये भी यहाँ पे कहने की कोशिश किया गया है। तो when they gave up, they would all do well to remember those words before setting for the mediocrity। तो ये जो ऑप्शन पूरा दिया गया जिसमें पूछा गया कि नॉट एग्री विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऑप्शन है जिस बात को एग्री नहीं करता है, मतलब तो पूरे पैराग्राफ में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्री नहीं करता। पहला ऑप्शन, पेशेंस इज एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू, ये बात तो पूरे पैराग्राफ में हुई है। दूसरा, ये पूरे पैराग्राफ में हुई है तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे तो पूछ रहा है नॉट एग्री। अगला, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग दे एज दे समटाइम्स इफ समटाइम विल इफ रेस्ट यू मस्ट डोंट क्विट, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट क्विट। मतलब अगर कोई चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो आप थोड़ा सा रुकिए, इंतजार करिए पर छोड़िए मत, ये भी पूरे पैराग्राफ में बताने की कोशिश किया गया है। खास करके ये वाला लाइन कि हम कई बार चीजों को वहां पे जाके छोड़ देते हैं जहां से हम चीजों के बहुत करीब होते हैं। तीसरा, बेटर इज द नेम ऑफ गुड, ये ऑप्शन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन व्हाट टैलेंट यूज योर टैलेंट व्हाट यू पोसेस वुड साइलेंट एंड डैश, तो ये पूरा पैराग्राफ के लाइन को डी भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। इसलिए हम आंसर जो है वो सी लेके चलेंगे। सी का जो हमारा जो गेस्चर है वो असर्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, और इस पूरे पैराग्राफ का जो गेस्चर है वो पॉजिटिव चल रहा है। तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है वो उसमें इन्फर्ट की कैटेगरी में नहीं हो सकता क्योंकि निगेटिव चीजें इस पैराग्राफ से हमें इन्फर्ट नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर के चल रहा था पैराग्राफ। तो इसके कैटेगरी में मान के चले तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। खैर अगले क्वेश्चन की बात करें, हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे सामने में आ रहा है, इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस
of what should you build in a new country, people generally use woods. But after a time, woods grow expensive. Moreover, woods catch fire easily. Therefore, a country become more thick settled and people live close together in cities. Stones and bricks are used. Large cities do not allow the building of wooden house within a certain distance from the center. Sometimes even a use of wood signals is forbidden. For a late years large, the number of concrete or cement house have been built, our grandfather would have opened their eyes wide at the suggestion of the house built of sand and would have felt anxious at every rainfall, lest their home should suddenly melt away. Even after thousands of concrete building were in use, many people still feared that they would not stand that cold winter and hot summer and United States. But it has been proved that concrete is a success, provided it's properly made. इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि शुरुआती टाइम में जो घर बनते थे वो लकड़ी के बना करते थे, पर जैसे जैसे लकड़ी जो है वो महंगा होना स्टार्ट हुआ, लोग जो हैं वो दूसरे ऑप्शंस को तलाश करने लगे और लकड़ी में जल्द आग भी पकड़ जाता था, तो ये भी एक समस्या उनके सामने में आ रही थी। तो उसके बाद लोगों ने कंक्रीट और सीमेंट का जो है वो घर बनाना शुरू किया, लेकिन वहाँ के लोगों के मन में एक डर था, एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था कि कहीं ये बरसात में बारिश में जो भीषण धूप या फिर जो ठंड होता है उसमें कहीं एक घर जो है गिर ना जाए, क्योंकि सीमेंट तो बना हुआ सैंड से ही है, बालू से बना हुआ है, तो कहीं ये गिर ना जाए, इस बात का उन्हें कहीं ना कहीं डर हुआ करता था। तो इस बात को देखते हुए इन्होंने क्या करा कि जो हमारे पूर्वज हैं उनको इस चीज पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, हमने उसको प्रॉपरली यूज करना स्टार्ट किया कंक्रीट को, तो हमने पाया कि एक सक्सेसफुल इससे घर हम बना सकते हैं। हमसे पूछा गया कि इन्फॉर्म्ड अबाउट कंक्रीट बेस्ड ऑन दिस पैसेज। अब देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में सारी बातें हुई हैं, पर आपसे पूछ रहा है कि कंक्रीट को लेकर के क्या जानकारी हमें मिलती है। अगर इस ऑप्शन में देखें तो कंक्रीट की बात हमारी शुरू हुई है यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ तक आए हैं, और कंक्रीट को पॉजिटिवली एसर्टिवली इस पैराग्राफ को हमने कंप्लीट किया है। इसको अगर हम देखें तो कंक्रीट कैन लास्ट लॉन्गर देन वुड्स। कंक्रीट जो है वो लकड़ी से ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है। हमने ऐसा कोई भी बात कंक्रीट को लेकर के नहीं कही है, और खास करके हमने लाइफ स्पैन की बात तो बिल्कुल भी नहीं की है कि किसकी लाइफ कम है और किसकी लाइफ ज्यादा है, इसकी तुलना तो इस पूरे पैराग्राफ में कहीं हुई ही नहीं है। दूसरा, कंक्रीट इज मोर एक्सपेंसिव देन वुड्स, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि हमने ये जरूर कहा है कि वुड्स जो है वो एक्सपेंसिव हो गया बाद में, ये हमने बात करी है, लेकिन हमने ये कंपेयर नहीं किया है कि कौन ज्यादा महंगा है। तीसरा, कंक्रीट इज वीकर देन वुड्स, फिर अगेन हमने कहीं भी इस तरह की कोई भी कंपेयर नहीं की है कि कौन जो है वो आपका कमजोर है, इस तरह की कोई भी पैराग्राफ में जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो अगर हम देखें, सैंड इज द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल पुराने पूर्वज थे वो ये मानते थे कि ये जो है कंक्रीट ये बना तो सैंड से ही है, पता नहीं ये बरसात में या फिर ठंडी में ये गिर जाए या ना गिर जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो इस पूरे पैराग्राफ के इन्फ्रेंस में अगर हम कंक्रीट को लेकर जो हमें जानकारी मिलती है उसको अगर हम लेकर चलें, तो हम पाते हैं कि ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ये कौन ज्यादा महंगा है कौन सस्ता है, इसकी बात तो हमने की ही नहीं है। कंक्रीट को लेकर के हमने वुड को लेकर के भी हमने कोई कंपेयर नहीं करा है, उसके बाद हमने कौन वीक है कौन कमजोर है इसको लेकर के भी हमने कोई कंपेयर नहीं किया है, लेकिन हाँ एक ऑप्शन हमारे पास डी है जो इस पूरे पैराग्राफ में सैंड को लेकर के जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आपको कंक्रीट को लेकर के जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। इसलिए जो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा इसके इन्फ्रेंस के तौर पर। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द अर्लिएस्ट हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, एक्सेप्ट ग्रीस को लेकर के जो पुराने जमाने में जो हिस्ट्री है उसमें क्या नहीं है, आइए देखते हैं। ये भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पूरे पैराग्राफ की हमें दिए गए जानकारी से हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस गोज बैक टू द टाइम ऑफ पीपल डिड नॉट नो हाउ टू राइट
एंड केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपनिंग अराउंड देम। पुराने जमाने की बात है, उसमें लोग नहीं जानते थे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो उन्हें पता नहीं होता था कि रिकॉर्ड रखना कैसे है, जो आसपास में जो चीजें हो रही हैं इसको कैसे रिकॉर्ड रखना है। फॉर अ लॉन्ग वाइल द स्टोरी टोल्ड बाई द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन, काफी लंबे समय तक ये कहानियां जो है बच्चों को सुनाए जाते थे। द ओनली इन्फॉर्मेशन विच कुड बी हैड अबाउट द कंट्री एंड इट्स फॉर्मर इनहेबिटेंट, और यही जो है ये एकमात्र तरीका है जो हम उनके बारे में जानते हैं। मतलब जो पूर्वज थे वो अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे कि ऐसे ऐसे होता है, फिर वो बच्चे जब बड़े होते थे तो वो अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे, तो यही एक तरीका था जिसकी वजह से हम पुराने जमाने की चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाते हैं, पुराने जमाने की चीज़ों को हम जान पाते हैं। पर भाई अगर बात की जाए कि अगर इसका कोई रिटन प्रूफ है तो नहीं है, जिस तरह से हमारे जो मैथोलॉजी कहे जाते हैं, जो कि हमारे धर्म है, हमारी गीता है, महाभारत है, या इस तरह की चीज़ें, इसके बारे में कही जाती है कि इसका कोई रिटन प्रूफ तो भगवान के द्वारा है नहीं। हमारे ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से सुनाई गई हैं, बताई गई हैं, जो आगे कंटिन्यू होती आ गई हैं और आज तक हम इस कहानी को जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। Slightly changed, every new taller grew more and more extraordinary. At time passed, at least they were so changed that no one could tell where the truth ended in and fancy began. The beginning of Greece history is thereof like a fairy tale. While much of it cannot, of course, be true, it is the only information we have about the Greeks. मतलब इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम पढ़े तो हम यही बात कर रहे हैं, यही चीज को समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास जो ग्रीक को लेकर के जो जानकारी है इसमें कुछ भी रिटन प्रूफ नहीं, क्योंकि वो लोग लिखना नहीं जानते थे। हमारे पास जो चीजें जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन लोगों को उन्होंने अपने अपने बच्चों को बताया है, और वही चीज जो शेयर होते हुए आया है वही चीज हमारे पास रहा है। तो इस चीज को अगर आप समझें, इस चीज को आप जानें, इस चीज को अगर आप एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि अर्लीस्ट हिस्ट्री में क्या सच है इसके बारे में। द हिस्ट्री वॉज टोल्ड अबाउट स्टोरीज एंड दैट कैन चेंज अ लिटिल विच ईच टेलिंग, हम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। यहाँ पे द पास्ट इट वॉज पास डाउन थ्रू जनरेशन, इट वॉज नॉट रिटेन डाउन, इट वॉज लॉस्ट इन वोल्केनिक एक्सप्लोजन। सबसे पहले भी मैं बात बताऊं कि चीजें चेंज हुई नहीं हुई इसको लेकर हम अनसर्टेन हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात हम कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कहानी जो पास की गई है इस वजह से इनका रिकॉर्ड हमारे पास है। दूसरा, ये लिखा नहीं गया है ये भी जानकारी हमें मिलती है। ऑप्शन ए के बारे में हम कंफर्म नहीं है, पर हम कह भी नहीं सकते कि ऐसा था कि नहीं था, लेकिन एक बात कंफर्म हमारे लिए एलियन टाइप का वर्ड है जो कि हम आउट ऑफ स्कोप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है वोल्केनिक एक्सप्लोजन जिसको लेकर के कोई चर्चा ही पूरे पैराग्राफ में नहीं हुई है। तो आप सोचने वाली बात है कि अगर आप सीधी बात है पूरे महाभारत में अगर आप बात करते हो या रामायण की अगर एक मिनट के लिए बात करते हैं, पूरे रामायण में आपने कुछ भी चर्चा करा हो पर उसके ऑप्शन में कभी भी कृष्ण नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि महाभारत का वक्त अलग है, कृष्ण का वक्त अलग है। महाभारत के किसी भी क्वेश्चन का इन्फ्रेंस अगर हम ढूंढने के लिए चाहें तो उस इन्फ्रेंस में कभी भी कृष्ण चॉइस नहीं हो सकता। इस पूरे पैराग्राफ में हमने दो ही बात की चर्चा की कि हम जो चीज़ें जान रहे हैं ग्रीक के बारे में उससे रिलेटेड जो भी बातें हमारे पास हैं वो जनरेशन टू जनरेशन स्टोरी ट्रांसफर करने की वजह से हुई है, ना कि हमारे पास कोई रिटन प्रूफ है। पर यहाँ पे आके ये कहना कि वोल्केनिक एक्सप्लोजन की वजह से सब कुछ खो गया, सब कुछ लॉस्ट हो गया, ये वही बात है जिसकी चर्चा पूरे पैराग्राफ में दूर दूर तक नहीं है और हम कनेक्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए हमसे अगर पूछा जा रहा है कि कौन सा इन्फ्लुएंस का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट क्या हो सकता है, तो ऑप्शन ए हमें कन्फ्यूज जरूर कर रहा है, पर डेफिनेट आंसर नो वाला जो है वो हमारा डी होगा। इसलिए आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो डी है। खैर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के नाइव्स के बारे में, और इससे हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इन्फो ऑफ दिस पैसेज, क्या इन्फ्लुएंस इस पूरे पैराग्राफ से हमें निकलता है। द नाइव्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया वर ऑलवेज फ्यू इन नंबर्स, ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस नो ग्रेन एंड एनी शॉर्ट नेचुरली, नीदर व्हीट, ओट्स, बार्ली, नॉट मेज, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते थे, इनके पास कुछ भी अपना तरीका नहीं था प्रोड्यूस करने का। इट प्रोड्यूस पार्शियली प्रैक्टिकली नो एडिबल फूड्स, और वो कुछ भी प्रैक्टिकली खाने वाली चीजों को प्रोड्यूस नहीं करते थे, एक्सपेक्टिंग अ फ्यू बेरीज एंड वन और टू नट्स एंड आउटर रिंग ऑफ विच वेजिटेबल, मतलब कुछ थोड़े मोरे चीज जो प्रोड्यूस कर पा रहे थे वही कर पा रहे थे, इनके पास प्रॉपर कोई भी ग्रेन्स प्रोड्यूस करने का जरिया नहीं था, तरीका नहीं था। देयर वाज नो यूजफुल रूट्स सच एज पोटैटो, ट्रम्प, टूनिप एंड यम एंड द टैरो एंड नाइव एनिमल्स वेयर फ्यू एंड जस्ट बेयरली एडेबल, द कंगारू एंड द कोला बींग द प्रिंसिपल वन, उसमें कंगारू और कोला को वगैरह को ये लोग खाते थे, इनके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, पोटैटो वगैरह का तो कोई ट्रेस ही नहीं था उनके पास। इन बर्ड्स एलोन वाज द कंट्री वाज वेल सप्लाइड, एक वर्ड ही था जो उस कंट्री में वेल रूप से सप्लाइड था, बाकी इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दे वेर मोर ब्यूटिफुल प्लमेस एंड देन यूजफुल एज फूड, इवन द
फिशरीज वेयर इनफ्रिक्वेंट, फिशरीज भी उनके पास इनफ्रिक्वेंट था। अफोर्ड द कॉस्ट वाज लाइन इज ब्रोकन, उनका जो कोस्टल बाउंड्री था वो ब्रोकन था एनी ग्रेट बाय एनी ग्रेट बे, किसी ग्रेट बे के द्वारा। एंड देयर इज थस लेस सी फ्रंटेज, और इनके पास काफी कम सी का एरिया इन कंट्री में पड़ता था, इसलिए ना ही मछली पालन कर सकते थे, ना ही मछली जी को खा सकते थे, ना ही ये कुछ ग्रो कर पा रहे थे, कुछ ग्रेन्स वगैरह को ग्रो कर पा रहे थे। इनके पास खाने के लिए कुछ बर्ड्स तो था, लेकिन बर्ड्स देखने के लिए ज्यादा अच्छे लग रहे थे खाने की अपेक्षा में। देन अदर कंटिनेंट्स एंड रिवर्स आर फ्यू इन नंबर्स, और उस कंट्री में रिवर्स भी काफी कम थे। तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और कुछ था भी था तो बहुत थोड़ा बहुत कुछ था, ये हमसे पूरा पैराग्राफ में बताया गया है। ऑस्ट्रेलियन इंसेक्ट्स वे आर मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या हमने इसकी बात की है न्यूट्रिशन की? नो, इस पूरे पैराग्राफ में ये इसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं है, ये हमारा आउट ऑफ स्कोप चॉइस है। नाइव ऑस्ट्रेलियन हैड ए ग्रेट डील टाइम टू लेजर, वे बहुत आनंद से रहते थे, नो इसकी बात तो ही नहीं है, ये तो हम निगेटिव एसर्टेशन कर रहे हैं। पूरे पैराग्राफ में हमने दुख जताया है, पूरे पैराग्राफ में तो हमने ये कहा है कि वहां के लोगों को कुछ खाने को नहीं था। भैया अगर हम बात करें सर्वाइवल वाज डिफिकल्ट इन मोस्ट नाइव ऑस्ट्रेलियंस, यस ये बात पूरे पैराग्राफ से पता चलती है कि उन लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रखा था उस वक्त में। बर्ड वेर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, इसकी बात भी नहीं हुई है कि मेडिसिन की चर्चा हमने पूरे पैराग्राफ में नहीं की है कि बर्ड्स किस तरीके से यूज किए जाते थे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पूरे पैराग्राफ में एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है हमारा सी, इसलिए हम चॉइस जो लेके चलेंगे वो हमारा सी होगा। खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लाइकली एग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन आप बच्चों सॉल्व करें और बताएं किसका आंसर क्या होगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।